बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से दावा किया है कि बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी एकता की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज होकर लौट आए। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं और उनके स्वभाव से भी परिचित हूं। जब चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री को लौटना था तो इतनी जल्दी क्यों थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और हड़बड़ी में पटना लौट आए। पटना में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं की। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के कन्वीनर के पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये एक छोटा पद है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, देखिए इस वीडियो में। मलमास मिला तो आज था, इसलिए कोई राजगीर तो बहाना है। देखो तो कितना भी छिपाए, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, वो तो मुस्कुराहट जो है वो तो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं, जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बैकवर्ड कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। तो उनको आखिर ये बताना चाहिए ना कि क्या जल्दबाजी थी, जब चार्टर प्लेन था उनके साथ क्या जल्दबाजी थी, वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए, यहाँ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया या मुलाकात की। और मैं तो नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अगर मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना चाहिए कि आपके लिए कन्वीनरशिप कोई छोटी चीज़ है। तो एक कन्वीनरशिप के लिए इतनी फजीहत, इतना अपमान, और तब जाकर कन्वीनरशिप, इसे तो अच्छा है कि उनको इस तरह के कन्वीनरशिप का परित्याग कर देना चाहिए। तो देखिए अंदर की बात तो यही है, अब कोई व्यक्ति थोड़ी कहता है कि मुझे पीएम बनना है, मतलब मेरी कोई आकांक्षा नहीं। राहुल गांधी की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम पीएम के लिए ललायत नहीं है, और मौका लगेगा तो सब लोग जो है और दौड़ पड़ेंगे पीएम की गद्दी के लिए। उसे बोलना एक बात है, मुझे साफ झलकता हूँ उनकी मुस्कुराहट में, इन्हें नाराज थे, उनको जिस तरह अपमानित किया गया, ये मेरा सुझाव होगा कि उनको कन्वीनरशिप का जो पद अगर मिल भी रहा हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ललन जी भी कहीं जदयू के लोग क्या कह रहे हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ममता जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार, हर के मन में लड्डू फूट रहा है कि एक दिन कोई भी क्यों ना हो कम से कम हम प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और बाहर से कहेंगे कि मैं ललायत नहीं हूँ, तो नीतीश कुमार से ज़्यादा ललायत तो कोई है ही नहीं, गठबंधन क्यों तो इसी से थोड़ा उन्होंने यहाँ कोई रास्ता नहीं, तो शायद कहीं यूपीए के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से उनको तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। इतना सपना उनका सपना ही रह जाएगा, न तो वो पीएम बनेंगे और न ही कन्वीनर बन पाएंगे। उनके तो सीताराम येचुरी का बयान आ ही चुका है उनकी बैठक के पहले ही, बंगाल में हम टीएमसी से कोई समझौता नहीं। तो इस महागठबंधन में इतना इनर कॉन्ट्रडिक्शन, इतना अंतर विरोध, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए छुरी लेकर तैयार बैठे, एक दूसरे के पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार, इस प्रकार का बेमेल गठबंधन है जो केवल भ्रष्टाचार से बचने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। मैं तो वही ना उनके एडवाइजर हूँ, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं वही उनके एडवाइज़र हैं, वही उनकी संगत है। उनके संगत में कौन लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता लोग हैं, तो जिस लालू यादव के खिलाफ जिंदगी में लड़ते रहे, जिनको जेल भिजवाया, जिनके ऊपर मुकदमा करवाया, अब जाकर उनको पुचकार रहे, उनको सहला रहे, इसलिए अब तो उनके एडवाइज़र इसी प्रकार के लोग रहेंगे।